और इस बीच हमारे साथ वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आप लोगों को क्या पता चल पा रहा है, क्या जानकारी और मिल पा रही है इस घटना को लेकर? ये लगभग 10:30 बजे जब बहुत बारिश हो रही थी उस एरिया में, तो उत्तरी साइड के पैदल ऊपरी पुल पर काफी लोग इकट्ठा थे जो आने जाने वाले हैं, और उस दौरान कुछ भगदड़ जैसी सिचुएशन मची और उसमें करीब 30 लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना मिलते ही एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ट्रेन साइट पर पहुंच गई थी और उन्हें जो भी आवश्यक चिकित्सा सुविधा है वो दी गई है। वेस्टर्न रेलवे के सीनियर रेलवे ऑफिसर्स भी साइट पर पहुंच गए हैं जो मेडिकल असिस्टेंट और अन्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये घटना इस पैदल ऊपरी पुल के उस एग्जिट पे हुई है जो प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरता है लेकिन सीधे बाहर की ओर उतरता है। जी, हादसा हुआ क्यों, इस बारे में क्या पता चला? इसकी घटना की विस्तृत जांच की जाएगी और इस संबंध में जो भी जानकारी आएगी तब हम उसी वक्त आपसे साझा कर पाएंगे, लेकिन जो ब्रिज के किसी नुकसान होने की या कलेप्स होने की बात है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कारणों की जानकारी के लिए और उसके कार्रवाई के लिए उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। क्या शेड टूटा है, कोई इस तरह की जानकारी आपको मिल पाई है? शुरुआती जानकारी कुछ तो मिली होगी आपको? नहीं, इस प्रकार ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ है या उसमें कोई कलेप्स ब्रिज कलेप्स नहीं हुआ है जैसा कि कुछ लोगों द्वारा कहा गया है, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस घटना की जांच बराबर की जाएगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ हमारे साथ जुड़े हुए थे और देखिए जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई शख्स जो वहां पर मौजूद होगा उसने अपने मोबाइल से इन तस्वीरों को कैद किया था। जहां आप देख रहे थे 2-3 लोग जमीन पर बैठे हुए थे और चारों तरफ से लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था। प्रशासन का इस वक्त स्पॉट पे है और स्थिति को मैं कंट्रोल करते हुए लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी इस स्टेज पे कैजुअल्टी के बारे में कोई वेरीफाइड अधिकृत सत्यापित इन्फॉर्मेशन नहीं है। थोड़ा सा जैसी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा फोकस हमारा रहता है कि रिलीफ हम पहले पहुंचाएं लोगों को, हॉस्पिटल वगैरह में अटेंड कराएं, तो इसलिए उसमें बताने में थोड़ा समय लगेगा और जैसी वेरीफाइड सत्यापित और अधिकृत इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके साथ शेयर करें। भगदड़ किस लिए मची है, क्या कोई वजह पता चली है? देखिए, अभी वो आपका फुटओवर ब्रिज टूटा नहीं, ऐसा अभी कोई ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है टूटने वगैरह की, और वही अत्यधिक भीड़ कम स्पेस में इकट्ठी हो गई बारिश की, सडन बारिश की वजह से, और कुछ फूल वाले भी वहां पर थे, फूल वाले भी थे वो भी एक जानकारी मिली है, और कुछ लोग जो उतरने की कुछ उसमें कहीं हो सकता कुछ स्लिप हुआ हो, लेकिन ये सारी बातें जो हैं जांच का विषय है और रेलवे प्रशासन ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं कि इसकी पूरी ठीक से जांच भी की जाए कि किन परिस्थितियों में क्या सिक्वेंसिंग रही, क्या ऑर्डर रहा, किन परिस्थितियों में ये बदतर की। सर, रेल मंत्री पीयूष गोयल वहां पर अभी मौके पर जा रहे हैं क्योंकि आज उनका कार्यक्रम है, और क्या वो कार्यक्रम भी रद्द कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी इस बारे में अभी माननीय रेल मंत्री जी जो हैं वो अभी फ्लाइट में हैं और जैसी वो मुंबई में उतरते हैं तो जैसा भी कार्यक्रम बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर, आप अनिल सक्सेना को आपने सुना, रेलवे के प्रवक्ता का यह कहना कि अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि हादसा आखिर क्यों हुआ। घटना स्थल पर पहुंचे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित, क्या कुछ उन्होंने देखा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई में फिर एक बड़ा हादसा हुआ है। हम इस वक्त पश्चिम रेलवे के एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर मौजूद हैं और एल्फिंस्टन रोड स्टेशन का ये जो पुल है उस पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहीं पर ये हादसा हुआ। आज सुबह 10:30 बजे के करीब पीक आवर का वक्त होता है, लोग घरों से दफ्तरों की ओर जाते हैं और ऐसे में यहाँ पर मुसाफिरों की बेहद ज़्यादा भीड़ थी और चूंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए लोग ये जो पुल है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो पुल है यहाँ से ज़्यादा तादाद में लोग जो है लोगों का मूवमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा था क्योंकि बाहर चूंकि ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए कई लोग यहीं पर रुक गए थे और उसी दौरान जो है ये हादसा हो गया। यहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने का कारण जो है अभी तक साफ नहीं हो पाया है, 2 से 3 कारण बताए जा रहे हैं। पहला तो किसी ने कहा कि यहाँ पर विंडो के पास में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से भगदड़ मची। फिर किसी का कहना है कि जो पुल का स्लैब था वो स्लैब गिर गया उसकी वजह से भगदड़ मची, और कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि भीड़ में मौजूद एक शख्स को दमे का अटैक आ गया और उसको निकालने के चक्कर में जो है हड़बड़ी हो गई, यहाँ पर धक्का मुक्की हुई और जिसके बाद में यहाँ पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में अभी तक
जो हमें जानकारी मिली है, करीब 15 लोगों को डीएमसी की ओर से जो जानकारी मिली है, 15 लोगों को मृतक हालत में लाया गया अस्पताल में और 30 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एल्फिस्टन रोड जो है पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है और ये एक तरह का जंक्शन भी है। यहाँ से वेस्टर्न रेलवे की लाइनें भी गुजरती हैं और सामने की तरफ वो आप देख रहे हैं वो सेंट्रल रेलवे का परेल स्टेशन है। तो सुबह के वक्त में जो लोग घरों से दफ्तर जाने के लिए निकलते हैं वो इस पुल का इस्तेमाल जो है ट्रेनों की अदला बदली के लिए भी करते हैं। वेस्टर्न रेलवे के मुसाफिर जो है सेंट्रल रेलवे की तरफ जाते हैं, सेंट्रल रेलवे के मुसाफिर वेस्टर्न रेलवे की ओर आते हैं और इस वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। इसमें एक बात ये भी गौर करने लायक है कि ये पुल जो है सालों साल पुराना है, इतने सालों में यहाँ पर लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ी, मुसाफिरों की तादाद काफ़ी बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुल की ना तो चौड़ाई बढ़ाई गई और ना ही कोई एक्स्ट्रा पुल बढ़ाया गया और नतीजा ये है कि इस जैसे हादसे जो है यहाँ पर हो जाते हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़ मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।